गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 20 और 21 का सीखेंगे। तो बेटा, कोई संख्या 20 से कब डिविजिबल होगी, इसका नियम क्या होता है? तो देखिए बेटा, अगर किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के अगर इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर और आइदर 00 और 20, कोई संख्या 20 से तभी विभाजित होगी या तो उसके अंतिम दोनों अंक 00 हो या 20 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। जैसे क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए 00 हो गया, 20, 40, 60, 80, इन अंतिम दोनों डिजिट्स अगर ये हैं तो वो संख्या 20 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल, अब इसके लास्ट टू डिजिट्स 20 से डिविजिबल है, यानी हमारा नंबर 220 20 से डिविजिबल है। अंतिम दोनों डिजिट्स जीरो हैं, यानी जो अपनी संख्या 8, 9, 4, 6, 00 20 से डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या देखते हैं हम लोग, अंतिम लास्ट टू डिजिट्स 16, यानी जो अपनी संख्या है ये 20 से डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग, फोर्टी, यानी ये भी अपना नंबर 20 से डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग, 50, जो 20 से डिविजिबल नहीं है, यानी 396450 इज नॉट डिविजिबल बाय 20। वैसे बेटा 21 के लिए कुछ नियम होते हैं, 21 के लिए जैसे इसके क्या नियम होते हैं, दिए हुए नंबर के यूनिट डिजिट्स को हम लोग लेते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई का आंसर आता है उसको रेस्ट ऑफ द नंबर जो बच जाता है उसमें से उसे हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करना है, टेक द लास्ट डिजिट एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2, देन सबट्रैक्ट दैट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर इच डिविजिबल बाई 21। क्या करना है देखिए, टेक लास्ट डिजिट एंड
मल्टीप्लाई बाय टू, देन सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। इफ द रिजल्ट इज जीरो और डिविजिबल बाई 21, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 21। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक ए नंबर, क्या करना है नियम के हिसाब से हमें, टेक द लास्ट डिजिट, हमने इसे लिया 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे कितना आया 2। अब रेस्ट ऑफ द नंबर 44 से 2 से हमने इसे माइनस किया 42, 21 2 42 होता है, ये पता है हम लोगों को। लेकिन बेटा इसको हम लोग और आसान कर सकते हैं कैसे, अब जो बचा सेम इसी प्रक्रिया को हम लोग रिपीट करेंगे, 2 2 into 4, अब रेस्ट बचा 4 में से 4 हमने माइनस किया 0। क्लियर हुआ, क्या करना है, टेक द लास्ट डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय 2, देन इसके बाद सब्ट्रैक्ट दैट इसे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, इफ द रिजल्ट इज 0 और डिविजिबल बाय 21, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 21, यानी ये बैठ रहा है नियम पे, तो 441 21 से डिविजिबल है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा हम लोग, अब यूनिट प्लेस पे 2, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब रेस्ट नंबर में से इसे हम लोग माइनस करेंगे, अब फिर वही प्रक्रिया 8, 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, अब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, ठीक। अब फिर रिपीट कर सकते हैं, 8 16 बचा 16 से हमने इसे 0, यानी जो अपना नंबर है 18522 डिविजिबल बाई 21। एक दूसरी संख्या समझते हैं हम लोग, 1 है, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और बाकी बचे नंबर से इसे हमने माइनस किया, 4 है, 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, बाकी बचे नंबर में से हम इसे माइनस करेंगे, 4 0, यानी अपना नंबर 9261 21 से डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या देख लेते हैं बेटा हम लोग, 4 है, 4 into 2 8, 6 3 6 9 6 6 6, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस करेंगे 7, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए 20, ठीक है, इन 21 से डिविजिबल है,
यानी 3704 21 से डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं बेटा हम लोग, 972405, यूनिट प्लेस पे 5, 5 से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 10, और बचे नंबर से इसे हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 972 ये 3 बचा, ये 0 बचा। ठीक, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, 0 माइनस करेंगे 0 माइनस करेंगे तो 9723 यहाँ पे उतर गया अपना बच्चा। अब 3 है, सिक्स, अब बच्चे नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, कितना हुआ अपना 966। ठीक है, अब 6 12, अब माइनस करें 12 हम लोग, 84 21 से डिविजिबल है। अगर ये बड़ा लग रहा है हम लोग को तो एक बार और रिपीट करेंगे इसे, 8, अब 8 में से हमने माइनस किया, यहाँ पे बचा 0, यानी ये जो अपनी संख्या है 972045 21 से डिविजिबल है। इसमें एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है बेटा, अभी जब हम लोग शुरू शुरू में करेंगे तो एक बार लगेगा कि चलो इससे हम डिवाइड ही नहीं कर लेंगे, लेकिन जहाँ आप लोग एक दो तीन नंबर्स लेके, जहाँ आप लोगों ने इसे एक बार किया एकदम क्लियर और बहुत कम समय में आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। एक बार देखने के बाद दिमाग में आएगा कि इससे अच्छा हम लोग डिवाइड ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो नियम होते हैं बेटा, ये बहुत आसान होते हैं और इसे हम कम समय में बता सकते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, थैंक्स।